वेलकम टू भाई की भड़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। तो महादेव सबके लाडले बन गए थे। गांधी जी के पास आने से पहले महादेव सरकार के अनुवाद विभाग में काम किया करते थे। अनुवाद का मतलब होता है भाई ट्रांसलेट करना, जैसे कोई आर्टिकल इंग्लिश में लिखा है तो उसे हिंदी में लिखना, इसी को अनुवाद कहते हैं। वैसे तो उन्होंने वकालत पढ़ी थी। उन्होंने अपने एक दोस्त नरसिंह भाई के साथ अहमदाबाद में वकालत शुरू करी थी। फिर उनका इंटरेस्ट साहित्य में आ गया। उन्होंने चित्रांगदा, विदाई का अभिशाप जैसी कहानियों का अनुवाद करके अपनी साहित्यिक देन अदा करी। उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी, भारत में उनकी बराबरी का कोई नहीं था। बड़े बड़े लोग कहा करते थे कि पूरी ब्रिटिश सर्विसेज में किसी की हैंडराइटिंग महादेव की हैंडराइटिंग से अच्छी नहीं हो सकती। हाँ, तो महादेव की हैंडराइटिंग लंबी थी, सुंदर थी और वह बहुत तेज स्पीड में लिखते थे। यह उनकी राइटिंग की विशेषताएं थी जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। उन्हें शॉर्ट हैंड लिखनी नहीं आती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शॉर्ट हैंड क्या होता है। शॉर्ट हैंड एक लिखने का तरीका होता है जिससे लोग कुछ स्पेशल सिंबल यूज करते हैं जिससे वो जल्दी लिख सकें। आप एग्जाम्पल के रूप में व्हाट्सएप को देख सकते हैं। तो जब देश विदेश से बड़े बड़े लोग गांधी जी से मिलने आते थे तो उनके सेक्रेटरी गांधी जी की बातों को शॉर्ट हैंड में लिखते थे। महादेव भी कोने में बैठकर पूरी चर्चा को अपनी लंबी हैंडराइटिंग में लिखते। मिलने आए हुए लोग बातचीत को टाइप करवाने के बाद गांधी जी से ओके करवाने आते थे, तो उसमें कुछ गलतियां मिल जाती थी, पर किसी की इतनी बस की नहीं थी जो महादेव की डायरी में एक कॉमा की भी गलती निकाल दे। गलतियां देखकर गांधी जी कहते कि महादेव के नोट से थोड़ा चेक कर लेना चाहिए था ना। बाकी कहानी कंटिन्यू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, और ये ब्रेक है हमारा लास्ट इंटरवल।